हरदा फटाका फैक्ट्री में हुए हादसे में 11 लोगों की मौत होना बताई जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो मौत का आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा हॉस्पिटल प्रबंधन के अनुसार 200 से ज्यादा घायल अस्पताल लाए गए। वहीं कुछ घायलों को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम में भी रेफर किया गया है। फटाकों की यह फैक्ट्री हरदा शहर में ही मगरधा रोड पर बैरागढ़ गांव में है। धमाका मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत उछलकर दूर जा गिरे। धमाका इतना तेज था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई दी। लोगों को लगा कि मानो भूकंप आ गया है। जब लोगों ने बाहर जाकर देखा तो उन्हें धुएं के गुबार दिखाई दिए, जिससे उन्हें जानकारी मिली कि शहर में कहीं कोई हादसा हुआ है। आग की लपटे और धुएं का गुबार तो कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। करीब 1 घंटे तक एक के बाद एक धमाके होते रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार फैक्ट्री के आसपास बने घरों में बारूद रखा गया था। धमाके के बाद 60 घरों में आग लग गई। एहतियातन 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया। हरदा सहित आसपास के जिलों की फायर फाइटर्स को आग बुझाने के काम में लगाया गया। 11 बजे लगी आग को 2 बजे तक काबू पा लिया गया, लेकिन उसके बाद भी छोटे मोटे धमाके सुनाई दिए। हरदा फटाका फैक्ट्री में हुआ धमाका इतना भयावह था कि इस धमाके ने सरकार को हिला दिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए पीड़ितों को पूरी मदद का आश्वासन दिया। साथ ही घायलों को और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा भी की। वहीं स्थानीय प्रशासन ने हरदा फटाका फैक्ट्री में अग्नि दुर्घटना के आपदा प्रबंधन की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया है। इसके अलावा अग्नि दुर्घटना के पीड़ितों की सहायता हेतु जिला स्तरीय आपदा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अग्नि दुर्घटना के दौरान गुमशुदा की तलाश हेतु जिला प्रशासन ने कुछ नंबर भी जारी किए हैं, ताकि जिनके परिजन लापता है वे इन नंबरों पर संपर्क कर अपने परिजनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाकर घायलों के शीघ्र उपचार किए जाने के निर्देश दिए, तो वहीं डॉक्टरों के दल और आसपास के जिलों से 50 एम्बुलेंस हरदा के लिए रवाना की गई। जैसे कि हमको सबको जानकारी है, हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है। एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूर बाद यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई, जैसे मंत्री राहुल प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को इस पार्ट पर रवाना किया, 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में हैं कि हर हालत में किसी भी तरह पहले सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपये प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति न हो, और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जाँच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आग पर काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना का हम घटना के बाद इस पे जो जो प्रबंधन हो सकते हैं वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं।
बताया जा रहा है कि फैक्ट्री मालिक राजू अग्रवाल का लाइसेंस सस्पेंडेड था, जिसे उसने अपने भाई के नाम से रिन्यूअल हेतु आवेदन किया था। 5 साल पहले फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 3 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में फैक्ट्री मालिक को सजा भी हुई थी। फैक्ट्री मालिक राजू अग्रवाल हरदा के सब्जी बाजार में निवास करता है, जिसकी हरदा जिले में 3 से 4 अलग अलग स्थानों पर अवैध फटाका फैक्ट्री होने की बात स्थानीय नागरिकों ने बताई। नागरिकों के अनुसार ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जब फैक्ट्री में हादसा नहीं हुआ। यहाँ छोटे मोटे हादसे तो लगातार होते रहते हैं। बताया जा रहा है कि हरदा की इस फैक्ट्री में आज हुए विस्फोट में जो मुख्य हाल की छत धराशायी हुई है, उसके नीचे कुछ लोगों के शव दबे होने की संभावना है। छत का मलबा हटाने पर मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।